bismillahirrahmanirrahim Rahim we have discussed in detail measurement of money and functions of money. Now the in, in our sequence the next topic is money demand and in the money demand there are different theories so in that the first comes quantity theory of money. But first of all I would like to introduce

क्योंकि आम लोगों के ख्याल में तो डिजायर अनलिमिटेड होनी चाहिए फिर डिजायर का क्या मतलब है मनी डिमांड का तो इकोनॉमिक्स में मनी डिमांड की मनी डिमांड या मनी की डिजायर का मतलब यह है कि जो मीडियम ऑफ एक्सचेंज है उसको कितना होल्ड करना है यानी कि एक ऐसे एसिड को होल्ड करना जो गुड्स एंड सर्विसेज की ट्रांजैक्शन में एज मीडियम ऑफ एक्सचेंज यूज हो सके और अगर आप प्रिसाइजली इस पे जाना चाहें तो मेरा मतलब यह है कि कैश यानी कि करंसी और बैंक डिपॉजिट्स कितने होल्ड करने हैं बाकी एसेट्स की मौजूदगी में बाकी एसेट्स अपनी जगह होल्ड करने हैं, तो ये बेसिक मीनिंग है मनी डिमांड का अब मनी डिमांड का क्या रोल है मॉनिटरी इकोनॉमिक्स में मनी डिमांड थेरी का रोल ये है कि वो सबसे पहले ये बताती है कि वाई डू पीपल होल्ड मनी इससे डिस्कस करती है। और बेसिकली मनी डिमांड थेरी खुद से ये नहीं बताती बल्कि लोगों का बिहेवियर ही एनालाइज करके हमें पता चलता है कि हम देखते हैं कि लोग क्यों मनी होल्ड करते हैं यानी कि मनी डिमांड के मोटिव क्या है और दूसरा इंपॉर्टेंट इशू जो मनी डिमांड थेरी में डिस्कस होता है वो होता है फैक्टर्स इफेक्टिंग मनी डिमांड यानी कि डिफरेंट वेरिएबल्स हैं डिफरेंट फैक्टर्स हैं डिफरेंट रीजन हैं वजूहत हैं जो मनी डिमांड को इफेक्ट कर सकती हैं उन फैक्टर्स और मनी डिमांड के दरमियान रिलेशनशिप किस नेचर का है किस टाइप का है हमें कहां से पता चलता है ये मनी डिमांड थेरी से मनी डिमांड डिस्कस थे अब जो मनी डिमांड की हैं उनमें मैंने पहले भी आपको बताया सबसे पहले क्वांटिटी थे ऑफ मनी डिमांड है फिर ऑफ मनी डिमांड है और फिर पोर्टफोलियो थे ऑफ मनी डिमांड है और ये तीन ब्रॉडर हैं और इनके साथ दो एक्सटेंशन भी हैं जो मैं आगे डिस्कस करूंगा तो ये टोटल पांच थे बन जाएंगी मैंने पहले इंट्रोडक्शन के लेक्चर में मनी डिमांड की पांच का ही बताया था तो मेन थ्री हैं और दो एक्सटेंशन के तौर पे आएंगी अब सबसे पहली जो थेरी है अब ये भी एवोल्यूशन है यानी कि हम पुराने ज़माने से नए जमाने की तरफ आएंगे तो जो ये पुरानी थेरी है ये ट्वेंटी सेंचुरी के आगाज की क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी डे में बेसिकली स्टार्ट हुई ये थे इस चीज से के सबसे पहले ये एनालिसिस किया गया कि जो एग्रीगेट इनकम है या एग्रीगेट स्पेंडिंग है जिसको हम जीडीपी भी कह सकते हैं वो कैसे है। वो कैसे में होती और फिशर था, जिसने ये एनालिसिस स्टार्ट किया यानी कि वो इंटरेस्टेड था इसमें कि मनी में और एग्रीगेट स्पेंडिंग या एग्रीगेट इनकम में क्या रिलेशनशिप हो सकता है ठीक है तो उसने एनालिसिस के दौरान उसको ये चीज पता चली और उसने ये उसका ये रिजल्ट निकला या ये उसका एनालिसिस था कि जो मनी और टोटल स्पेंडिंग या टोटल इनकम के दरमियान लिंक है वो विलासिटी के थ्रू इस्टेब्लिश होता है अब विलासिटी के ऊपर मैं डिटेल में अलग से एक पूरा लेक्चर दूंगा लेकिन अभी के लिए हम इस पर सिर्फ विलासिटी के यहाँ उस अपनी इक्वेशन में फिट कर लेते हैं तो जो बेसिक इक्वेशन क्वांटिटी थेरी ऑफ मनी की बनी वो है एम इंटू वी इज इक्वल टू पी इंटू वाई अब पी प्राइस है जनरल वाई टोटल इकोनॉमिक एक्टिविटी है तो पी इन वाई टोटल स्पेंडिंग हो गया या टोटल नॉमिनल इनकम हो गई एग्रीगेट इनकम और जो एम मनी है और वेलोसिटी है जिसकी बेसिक डेफिनेशन ये है कि एक यूनिट ऑफ मनी कितनी दफा ट्रांजेक्शन में एक साल के दौरान यूज होता है तो ये टोटल बन गया कि मनी मल्टीप्लाइड बाय इट्स वेलोसिटी इज इक्वल टू टोटल स्पेंडिंग और टोटल इनकम अब इनिशियली देखें तो ये तो एक आइडेंटिटी है जितनी मनी और उसकी वेलास्टी को मल्टीप्लाई करने से आता है वही तो टोटल इनकम और टोटल स्पेंडिंग होती है तो इसमें थेरी क्या है ये तो जस्ट एक क्या है ये ये जस्ट एक आइडेंटिटी आइडेंटिटी का मतलब होता है कि जिसके दरमियान बिहेवियरल रिलेशनशिप ना हो बल्कि दो साइड इक्वेशन की बाय डेफिनेशन इक्वल हो तो फिर अब हमें अगर इसे थेरी में कन्वर्ट करना है तो हमें बिहेवियर एड करना पड़ेगा और उस बिहेवियर को एड करने के लिए हम करेंगे कि सबसे पहले वेलोसिटी के ऊपर फोकस करेंगे क्योंकि वेलोसिटी के डिटरमिनेंट से और वेलोसिटी के एनालिसिस के बाद पता चल सकता है कि इक्वेशन जो है आइडेंटिटी से कैसे क्वांटिटी थेरी ऑफ मनी में कन्वर्ट होती है थैंक यू